हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ASE लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अभी तक जितनी भी कहानी सुनाई हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी अकबर और बिरबल की। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बिरबल की खिचड़ी। तो फ्रेंड, चलिए सुनते हैं कहानी। अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफ़ी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत ही कमज़ोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो। ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को दो पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतार कर जल में प्रवेश किया और पहरेदार की निगरानी में बर्फ जैसे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए कैसे प्रबंध किया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी। ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, ठंड तो बहुत लगी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों पर चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा, यह तो धोखेबाजी है, तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दे। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय नहीं किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बिरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोना मिल सके जिसका वह हकदार है। बिरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहाँ पना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है, मैं आपको और आपके सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बिरबल ने कहला दिया कि अभी खाना तो तैयार ही नहीं है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बिरबल के घर पहुंच गए। पर जब उन्होंने बिरबल को घर के आंगन में देखा तो वे बहुत हैरान रह गए। बिरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की शाखा पर लटक रहा था। अकबर ने बिरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। बिरबल ने कहा, जी महाराज, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूँ। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुँच जाएगी, तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर जो रख दिया है। बिरबल ने कहा, जी महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुँच जाएगी जिस प्रकार महल के मीनार के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुँची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बिरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वायदे के अनुसार उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बिरबल को
देखा तो बिरबल मुस्कुरा दिए। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी आपको? और यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।